हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ बागा बीच, जो कि गोवा का एक फेमस बीच है। और नाइट हो चुकी है, लगभग रात के 12-1 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो गोवा का काला सच और बागा बीच का काला सच आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और उन सारी चीज़ों को बताऊंगा जो कि आज तक किसी ने नहीं बताया है, ना कोई बताना चाहता है। क्योंकि गोवन यूट्यूबर, गोवन मतलब जो कि गोवा वाले यूट्यूबर हैं, वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि अन्य राज्यों से यहाँ पर फिर टूरिस्ट नहीं आएंगे अगर इन सारी चीज़ों को बारे में पता चल गया तो इसलिए मैं उन सारी चीज़ों को बताऊंगा। और मैं लोकल नहीं हूँ लेकिन गोवा में रहता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता है और क्या क्या होता है यहाँ पर, कैसे कैसे होता है, क्या क्या काले काम होते हैं यहाँ पर और क्या क्या होता है यहाँ पर, किस तरह के धंधे होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो इस लड़की के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ जो वहाँ पर खड़ी थी। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि रात के लगभग 1 बज रहे हैं तो भी कितने सारे लोग आ रहे हैं बीच पे। कुछ लोग तो टिटोज नाइट क्लब से बाहर आके बीच पे आते हैं इंजॉय और चिल करने रात में। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, लगभग आपको 11 बजे के बाद तो भीड़ लगी रहती है रात के 3 से 4 बजे तक। तो ये है गोवा का फेमस बीच। और अभी देख लो, जून का सीजन चल रहा है तो भी इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि बारिश यहाँ पर रुक रुक कर होती है और बारिश इतनी भी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो राइट साइड रेस्टोरेंट है, तो बार के साथ यहाँ पे डांस फ्लोर जरूर बना के रखते हैं, जिससे यहाँ पे अगर किसी को पार्टी करना हो, कोई अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी के साथ आए तो इन्जॉय कर सके। और इन कैनोपी के बारे में बताना चाहूँगा मैं, आप इन कैनोपी में बैठ के अपना डिलीशियस डिनर और ड्रिंक्स का इन्जॉय कर सकते हैं। बट बताना चाहूँगा, फ्री में कोई नहीं बैठने देगा। और यहाँ पर अगर एक बार आप बैठ गए तो कम से कम 2-3,000 बिल आना ही है क्योंकि यहाँ पर सारे आइटम महंगे बेचते हैं। मुझे इनसे पूछने पर पता चला कि महंगा क्यों बेचते हैं, क्योंकि इन्हें पुलिस को पैसा देना पड़ता है, मेन रीज़न ये है। तो गोवा बीच पे सारी चीज़ें महंगी मिलेंगी, या गोवा के किसी बीच में जाओ आप, अरम्बोल को छोड़ के अरम्बोल में डिसेंट चीज़ एंड अच्छी चीज़ें मिलती हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फॉरेन मतलब रशियन टूरिस्ट आते हैं। लेकिन बागा और कलंगूट की भी बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब टूरिस्ट को लूटा जाता है, ठीक है। तो ये एक हो गया काला सच। तीसरा काला सच जो कि मैं अपने थंबनेल में लगा रखा हूँ, वो मैं आगे दिखाऊँगा और आगे बताता हूँ, क्योंकि उसको बताने के लिए मुझे कॉर्नर में जाना पड़ेगा और मुझे चोरी चोरी वीडियो शूट करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको सब कुछ दिखाता हूँ और बताता हूँ कि गोवा के इस काले सच और काले बीच या फिर गोवा की उन बुराइयों को, जो कि आज तक किसी गोवन यूट्यूबर ने नहीं बताया। गोवन मतलब लोकल गोवा के यूट्यूबर तो बहुत हैं, मीठी मीठी बातें करेंगे लेकिन आपको बताएंगे कुछ नहीं, जिससे अगर आप लोगों को पता चल गया तो यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आएगा, टूरिस्ट नहीं आएगा तो इन लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा। तो यही मेन रीज़न है कि ये लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या काम होता है और क्या किस किस तरह के काम होते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है, यहाँ पर बैठकर आप क्या कर सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर, कैंडल लाइट डिनर, वो भी सी व्यू के साथ, मतलब यहाँ पर समुद्र की लहरों के साथ बैठ के आप यहाँ पर डिनर का एंजॉय कर सकते हैं। ये भी कॉस्टली होगा, महंगा होगा, लेकिन आई थिंक गोवा तो आप एक बार ही आओगे लगभग, तो इसलिए आप इसका एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि डिनर करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है। तो डिनर आप अगर आप 2 आदमी करोगे तो कम से कम 800-900 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, सो दैट इतना कॉस्टली है, आप सोच सकते हो। और यहाँ पर साल के 12 महीने, गोवा का यह एक ऐसा बीच है जहाँ पर साल के 12 महीने भीड़ लगी रहती है और ऐसा लगता है कि बारात आने वाली है डेली। तो आगे चल के मैं वो भी दिखाऊंगा, अच्छे अच्छे डेकोरेशंस को दिखाऊंगा और उन सारी बातों को कवर करने वाला हूँ। अगर आपको गोवा से रिलेटेड या बागा बीच या किसी भी बीच के बारे में कुछ आपको काले सच या अच्छे सच के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो सो दैट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने कवर करूं। लेकिन मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, जो कि मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोज अपलोडेड हैं गोवा के बारे में, तो एक बार आप वहां जाकर ज़रूर चेक करें। तो चलिए मैं उस तरफ बढ़ रहा हूं, उस काले सच की ओर और काले धंधे को दिखाने वाला हूं जो कि गोवा में होता है, और ये सब धंधा बहुत हाई लेवल में चलता है। तो आगे एक मुझे अच्छा सा डेकोरेशन दिख रहा है, पहले यहाँ पर कुछ सेल्फी लेते हैं। और आपको अगर आप गोवा हो, अगर आप कपल हैं सिंगल, तो भी आप
फ्री में फोटो तो ले सकते हैं खड़े होके, लेकिन कोई भी अपने कैनोपी में तभी बैठने देगा जब आप कुछ खाओगे या पियोगे। अदरवाइज आप ऐसे फोटोग्राफी कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं अगर आपको जो भी मन पड़े, जैसा कि ये लेडीज कर रही हैं। और ये आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे पूरा ग्राउंड बना रखा है, पूरा मैरिज गार्डन बना रखा है, तो इतना अच्छा डेकोरेशन सारे लोग करके रखते हैं यहाँ पे, मतलब सारे रेस्टोरेंट वाले, सो दैट उनकी तरफ टूरिस्ट आए, उनके बार की तरफ, उनके रेस्टोरेंट की तरफ टूरिस्ट आए और उनको प्रॉफिट हो। लेकिन कॉस्टली यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये लोग पुलिस को देते हैं। मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया तब मुझे पता चला। तो यहाँ पर आप फोटोग्राफी के बाद अगर आपको आगे कॉर्नर साइड में जाओगे, तो ये बागा बीच में मैं बहुत कॉर्नर में आ गया हूँ और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है। कुछ लोग ऑफर लगा के रखते हैं कि बाई वन गेट वन फ्री बियर में भी, जैसे कोरोना बियर में यहाँ पर बाई वन गेट वन फ्री, और दूसरा किंग्स में कितना है बाई टू गेट वन फ्री। तो यहाँ पर कुछ लोग ऑफर लगा के भी रख सकते हैं जिससे टूरिस्ट आए और यहाँ पर मेरे बार या रेस्टोरेंट में आके इंजॉय करें। तो ये मैं कॉर्नर में आ गया हूँ, अब मैं उस काले सच के बिल्कुल पास हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बताता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी ये बाउंसर जैसे लोग दिख रहे होंगे आपको, बॉडी बिल्डर, तो यहाँ पर कुछ लड़कियाँ थी वो करने वाली, समझ गए ना आप, धंधा करने वाली। तो उनको अब उनको ये लड़कियों को नहीं पकड़ेंगे, ये जो लोकल हैं उनके साथ जो लड़के होंगे उनका फोटो खींच लेंगे, फिर बोलेंगे भाई मुझे पैसा दो नहीं मैं पुलिस के पास ले चलो। तो लड़कियों को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि लड़कियों के साथ इनका टाई अप रहता है, और लड़कों को पकड़ के ले जाएंगे और पुलिस के हवाले तो नहीं करेंगे, लेकिन चुपचाप चार पाँच लोग मिलकर डरा गए धमकाएंगे और पैसा ऐंठ लेंगे। तो ये एक काला सच है। दूसरा काला सच दिखाने के लिए मैं आपको बीच के लास्ट में ले चल रहा हूँ, जो कि यहाँ पे होता है और इसके बारे में कोई नहीं बताता है। तो चलिए लास्ट में चल के मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर मैं आ गया हूँ, यहाँ पे दो तीन लड़कियाँ खड़ी हुई हैं और सस्पीशियस लड़कियाँ हैं, फुली सस्पीशियस। तो मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये कौन सी लड़कियाँ हैं। ये वही लड़कियाँ हैं जो कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि ये कैसी लड़कियां हो सकती हैं। तो इनके आप देख सकते हैं, ये खड़ी रहती हैं, कोई भी लड़का आएगा तो भाई उनसे डील करेंगी, बात करेंगी, और रात में एक बजे दो बजे तक तीन बजे तक यहाँ पे ऐसे ही चलता है, रात में बारह बजे के बाद। और लड़कों से डील करने के बाद क्या करेंगी, उनसे उनके पैसे से ड्रिंक पियेंगी, वहीं पर खाएंगी पियेंगी और सब कुछ करेंगी। और इसी दौरान अगर कोई लोकल आ गया, क्योंकि ये लोकलों से टाई अप रहती हैं, क्योंकि लोकल ही हैं लगभग ये, या फिर लोकल है फिर दूसरे राज्यों से लाई गई हैं, तो यहाँ पे लोकल क्या है टाई अप रहते हैं। तो लोकल आएगा फिर फोटो खींचेगा आपका और डराएगा धमकाएगा और आपसे पैसा लेगा, क्योंकि पुलिस के पास तो ले नहीं जा सकते क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है, जैसे साथ में बैठ के ड्रिंक किया और कुछ नहीं किया है आपने, क्योंकि आपको वहाँ पे बीच में कुछ करने को तो देंगे नहीं। तो यही मेन रीजन है। और इस तरह के जो काले धंधे हैं ना गोवा में हर जगह होते हैं, हर जगह और हर बीचों पे, जो कि कोई नहीं बताता है। तो इन सारी चीज़ों के एक बार आप ध्यान में रखना, अगर आप सिंगल बॉयज हैं, सिंगल लड़के हैं, तो इन सारी चीज़ों से एक बार ज़रूर अवगत होना, क्योंकि गोवा में आपको कहीं भी चूतिया बनाया जा सकता है और 100% आपसे पैसे ऐंठने के लिए यहाँ पर लोग लगे रहते हैं। अगर आज का यह वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।